अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम गाड़ियों के पीछे ऐसे दीवाने हुए हैं कि हम सुबह भी नहीं सोए, और ये देखें, ये लड़का जो 11 बजे से उठ करना अपनी गाड़ी के साथ खेल रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है इसको। हम लोग जी तैयार होकर अब जाने लगे हैं मामू के घर। हमें पता लगा है कि हमारे दोस्त जुहान गिर गया है, उसका पता करने के लिए। तो बस चलते हैं, अब वो कैसा है तो फिर जाके वहाँ पे दिखाते हैं बाकी सब कुछ कि उसकी तबीयत कैसी है अब। सर फटी हुई मुन्नी सोचना क्यों कर रही है इस टाइम? खेल बड़ा खेला वो खेला ये भाइयों के साथ खेलना नहीं है, है? है जहान, दिखाओ चोट कहाँ लगी है, चोट दिखाओ। तो देखो भाई को चोट लगी है, भाई को चोट लगी है। इधर इधर जहान, डड्डू भी। बाबा कहाँ है? बाबा आ जाए। ना 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 ना, खेलना है, लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ नहीं करनी। भाई को चोट लगी आगे। जहान जी, अस्सलाम वालेकुम करने। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? आते ही कब्जा ग्रुप, वो उसकी है डूबी की। इधर आ जाओ, उधर नहीं जाना। मस्तियां फुल ऑन, मस्तियां। तो बाबा कहाँ? बाबा, बाबा को दो, बाबा को दो। नहीं इसान, जा बैठ जा। चल रेस्ट करने में दिए बेचारी ने, सुबह से लेती हुई है, थोड़ा रेस्ट करने में टाइम है, कर लेती हूँ। जो सोने चले, चलो बेड पे, चलो चलो बेड पे। तो भाभी आपकी शुरू होने लगी है इंक्वायरी। चल चलो 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 अंदर कमरे में, चलो सोए, चलो सोने चले। किधर 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 बंदर, किधर बंदर, किधर बंदर, किधर? मम्मा मम्मा, चलो डायपी चेंज करें। ये फूफो लाई है अपने बेटे के लिए टॉय। डूबी को पसंद आया? डूबी को, मेरी डूबी को टॉय पसंद आया? ओ ये ऐसे थोड़ी खेलना है। भाई को तो भाई खेल के बताते हैं। आप दोनों के घर पड़े हुए हैं, घर है, घर है। ये आ गए लड़ने, ये है लड़का लड़ाकू। अच्छा अप्पा कर दो एक पप्पो को, ए पप्पी दे दो, पप्पी दे दो, अप्पा कर दो डुबिया। हाँ जी, तो डूफी साहब भी अपने टॉय के साथ खेल के थक कर अब सो गए थे। बस ये दोनों और मैं और रसलान उठे हुए हैं, पता नहीं इनकी नींद किधर है। बस अब इनको भी सुलाएंगे, उसके बाद सहरी की तैयारी करनी है। जुहान शुक्र है अल्लाह का कि अब ठीक है, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई। आप सब ने दुआओं में उसको याद रखना है, ओके। हाँ जी, तो सहरी का टाइम हो गया था शुरू। मैंने कहा कि फटाफट बना लेते हैं अंडा प्याज। आप लोग इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो हमने कहा सहरी शुरू करते हैं, बाकी बच्चे और सारे सो रहे थे, भाभी भी सो रही थी। तो मैंने कहा मैं फटाफट से बना लेती हूँ, बाकी वो आएंगी और आकर रोटियाँ शोटियाँ बनाएंगी। तब तक मैंने कहा कि अंडा प्याज रेडी हो जाए, सालन वगैरह गर्म करते हैं और बस सहरी की तरफ जाते हैं।
बहुत थक गए थे बच्चे भी, लेकिन बार बार रो रहे हैं, पता नहीं उनको क्या है। तो बस इसी उसमें बिजी रहे, तो इस वजह से मैं ज़्यादा लंबा नहीं व्लॉग बना सकी, वो वीडियो नहीं लगा सकते हम लोगों की जो प्रॉपर हम लोगों ने अफ्तारी की थी उसकी। तो बस अब सहरी करेंगे, सहरी करने के बाद आगे फिर सोने की तैयारी करेंगे। बहुत सख्त नींद आई हुई है, सारों को बुखार हो रहा है, मुझे भी, अरसान को भी, और यहाँ के घर वाले तो बेचारे वैसे ही बीमार हैं। बस जुहान भी सो रहा है, और इसकी रेसिपी अगर आप लोगों को आती है तो मुझे बताइएगा, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस प्याज़ों को काटना है और उसको घी में डालना है, साथ टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डालनी है, और बस जब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो बस इसके अंदर डालेंगे आप अपना अंडा, जितने भी अंडे आपको चाहिए, और अंडे को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, तो ये आपके अंडे प्याज की रेसिपी तैयार होगी। डूफी के साथ खेल के थक हार के अब हम सो गए हैं, और बस अब सुबह उठेंगे और फिर अफ्तारी की तैयारी और इनकी मस्तियाँ शस्तियाँ होंगी, और फिर देखेंगे। जुहान बेचारे का बहुत सर फट गया था, ये शुक्र है कि स्टिचेस नहीं लगे और अब ठीक है, खून बड़ा निकला था। आप लोग तीनों सारे बच्चों को, ज़िमर हसन को भी, नूमू को भी दुआ में याद रखना, और व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करिएगा। सुबह के देखे क्या एक्टिविटीज़ थी, तीन दिनों से हम लोगों ने बस इसलिए नहीं लगा सके क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, आपको पता है रमज़ान की फिर मसरूफियात होती हैं। बाकी जो भी है आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।